माधुराई भाई, तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हम चार यार की टीम जो है हमेशा हमारा साथ देती है और हमेशा चार की जोड़ी के अंदर जो है वो हमारे साथ रहती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं इस वक्त जो है वो इस पूरी शाहरा के ऊपर फ़लस्तीन व कश्मीर के भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए हैदराबाद के नौजवानों की जानिब से यहाँ पर एक बहुत बड़ा दस्तरखान सजाया गया है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि मैं चूँकि हर साल रमज़ान में मदीने में होता था और अब यहाँ पे था, ऐसा लग रहा है यहाँ पर जिसका दिल चाह रहा है कोई केले ला रहा है। आप यकीन माने मेरा दिल चाह रहा है मेरी वीडियो के बजाय आप यहाँ की वीडियोस बनाएं, देखें किस तरीके से नौजवान कोई केले लेकर आ रहा है, केले रख रहा है, कोई फ्रूट रख रहा है, कोई बिरयानी लेकर आ रहा है, तो कोई जूस लेकर आ रहा है, कोई दूध का शरबत, यानी बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है, खुशी आ रही है इस बात की कि आप देखें कि यहाँ पर दीगर मीडियाज़ के लोग भी हैं लेकिन आप भी हैं यहाँ पर मेरे साथ। दीगर इस वक्त जो है वो सियासी, समाजी, मजहबी हैदराबाद की ऑर्गेनाइजेशन, हैदराबाद के नौजवान, चूँकि यहाँ पर ये जो ना मुकम्मल हैदराबाद के नौजवानों की तरफ से, हैदराबाद के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बिलखसूस जो कोर कमेटी हमने बनाई थी जिसमें रुहाब सिद्दीकी हो गए, हबीब खान हो गए, खावर खान हो गए और हमारे मोहसिन साहब हो गए, हारिस हमारे हो गए, वाहिद राजपूत हो गए, इसी तरीके से जुनेद डायरी साहब हमारे अहम रुकन हैं और आप देख रहे हैं शोएब मलिक भाई, सलमान जैदी साहब, अवेज़ खान साहब, यानी यहाँ पे चैम्बर ऑफ कामर्स समेत, ताजिर बरादरी समेत, सियासी, सामाजिक, सरकारी, गैर सरकारी सब ने आए हुए हैं और यहाँ पे पूरी यूथ यहाँ पर एक लंबा दस्तरखान लगा हुआ है और जो आ रहा है हर बंदा अपने अपनी चीज़ें लेकर आ रही है। देखिए अब समोसे लगना शुरू हो गए, तो आई लव माई हैदराबाद एंड डिसेंट तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ यहाँ पर इफ्तारी कराई जा रही है, तो मैं समझता हूँ आई ऑन हैदराबाद समेत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सल्यूट हैं, उन सबको सलाम है। हमने जो इंतज़ाम किया है वो किया है 1000 से 1200 के करीब के अफराद का, लेकिन यकीनन बरकतें होती हैं और रब ने चाहते हैं इंशाल्लाह बरकतें मिलेगी। यहाँ पर 2000 के करीब इंशाल्लाह ताला अफराद खाना भी खाएंगे इस और इफ्तारी भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं यहाँ पर मज़ा आ रहा है कि हैदराबाद की यूथ, हैदराबाद के जवान इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे सामने यहाँ पर एक मज़दूर नज़र आ रहे हैं और वो मज़दूर भी यहाँ पर बैठ कर इस तरीके के साथ आप देखें यहाँ पर अपने साथ आएँ। मेरे सामने इस वक्त हारिस साहब, जिंदाल साहब और शोएब मलिक साहब, मलिक यूनुस जमाल साहब और मुख्तियार भाई सोनी धरती के, उमीर अर्ज के, शोएब मलिक साहब, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ जो है पुलिस की पूरी यकीन मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर इन्होंने जिम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं, आरिफ साहब समेत और दीगर लोग हैं, तो यहाँ पर सरकारी, समाजी मुकम्मल लोग हैं। ये फ़लस्तीन और कश्मीर से ज़्यादा यकजहती के इंतज़ाम सारे हमने किए हैं, ठीक है, हमारे साथ मिलके दोस्त अहबाब जितने भी हैं उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर किसी को हमने मना नहीं किया, जो खुद से आके इस दस्तरखान पर अपना आइटम डालना चाहता है वो लाके रख सकता है। हमने किसी से चंदे की डिमांड नहीं करी ना हमने कोई डोनेशन किया है। मैं इस वक्त आई हूँ हैदराबाद से, मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मुत्तफ़ी का मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पूरा हैदराबाद जो है वो ऑन करता है अपने हैदराबाद के जो जिम्मेदारी जो हम पे हक बनता है हक अदा कर रहा है। हैदराबाद की यूथ को सलाम, हैदराबाद की यूथ ऑर्गेनाइजेशन को सलाम और आने वाले कवरेज करने वाले तमाम मीडिया और दोस्त अहबाब आप सबको सलाम। आज आई हूँ हैदराबाद की जानिब से एक रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया है और ये इमरान सरवर्दी हैं इसके सरबरा, उन्होंने ये किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैदराबाद की तारीख में सबसे बड़ी से अफ्तारी कराने जा रहे हैं, तकरीबन एक एस्टिमेटेड बता रहे हैं कि 2000 से 2500 लोगों की अफ्तारी आज ये है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 2500 लोग ही रहेंगे, मेरा ख्याल है यहाँ पे 5000 लोग आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रमज़ान के महीने में एक अच्छा मैसेज है कि सबको जोड़ें ऐसे माहौल में जब इतनी महंगाई हो, जब इतनी नफसानफसी हो, खाने के लिए लोग अफ्तार के लिए इंतज़ार करते हो कि कोई हमारे घर पे कोई अफ्तार दे जाए तो हम अफ्तार करें, तो रोड पे इस तरह महफिल सजाना और अफ्तार के लिए लोगों को जोड़ना ये एक अच्छा मैसेज है। इनकी पूरी टीम, इमरान सरवर्दी भाई और इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है और लोगों को भी मैं, हमारी जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
कि वो इस तरह के प्रोग्राम मुनक़द करें ताकि लोगों में जज्बा आए। ये पानी इन्होंने इस तरह बर्फ़ में लगाया हुआ है, तो ब्रांडिंग इन्होंने शायद हटा दी है किसी को, क्योंकि किसी से स्पॉन्सर नहीं लिया इन्होंने। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत और इनकी पूरी टीम ने, इसमें सिंध पुलिस इनका साथ दे रही है, ट्रैफिक पुलिस इनके साथ है जो ये चीज़ें मैनेज करा रही है। पूरा रोड है लतीफाबाद में 11 नंबर, ये लग रहा है आपका 8 नंबर, ये लग रहा है 12 नंबर, उसके दरमियान ही ये रोड है। तो हमारे हम सबके लिए एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है ये। कोई फंडिंग नहीं है, दोस्त हैं सब आप जैसे दोस्त हैं, किसी ने फ्रूट्स ला दिए, किसी ने इसमें समोसे ला दिए, किसी ने कुछ पानी की बोतलें दे दी, किसी ने जूसेस दे दिए, इस तरह कर रहे हैं। और इसमें कई जो हमारी एनजीओज हैं वो भी इसमें साथ जुड़ी हैं, और वो भी अपने जो जो भी अपने प्लेटफॉर्म से कर सकती थी। अब ये देखें, ये देखें, आप दिखाएं, ये देखें, ये अब ये सिलसिला, ये फ्रूट्स, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें सब ने मिलजुल के इसको कर लिया है। कोई फंडिंग किसी से नहीं ली गई है, और अपनी मदद आपके तहत क्या है, ये वॉलंटियर्स ने, इमरान भाई ने, हमारे दोस्तों ने, सब ने मिल के ये किया है, वॉलंटियर्स ने वॉलंटियर ही किया ही है। आई ऑन हैदराबाद के साथ मिलके, और मैं और इमरान आई ऑन का हिस्सा हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैदराबाद के हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इमरान भाई की क़यादत में एक अहद किया कि हम क्यों ना हैदराबाद में सबसे बड़ी एक ग्रैंड इफ्तार करें। अब मैं समझता हूँ कि और भी इफ्तारें हुई होंगी, पर ये हैदराबाद की सबसे बड़ी इफ्तार होगी इस रमज़ान की, और इस तरीके की और भी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक लोअर मिडिल क्लास एरिया है, और यहाँ पर ये लोग आएंगे, खाएंगे फ्रूट। महंगाई देखें आप कितनी है, लोगों के हैसियत से बाहर है। तो मुखिया हज़रात को चाहिए कि इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट करें, और अगर हमारी भी किसी को कहीं पर कोई मदद चाहिए, मैन पावर में हो या कोऑर्डिनेशन में, तो हम उनके लिए भी तैयार हैं। और इंशाल्लाह इस कल भी हम एक माजूरों का इवेंट करने जा रहे हैं पुलिस ग्राउंड हैदराबाद में, जहां 200 स्पेशल अफराद जो हैं उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आई ऑन की तरफ। सर ये जो है ना ग्रैंड इफ्तार, तो ग्रैंड इफ्तार तो हमने अभी डिसाइड की है कि भाई हम करें, 2 से 3 दिन में हमने ये मैनेज करने का सोचा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। आज जितना मुश्किल नज़र आ रहा था इतना मुश्किल है नहीं, तो अल्लाह खैर करेगा। और नौजवानों को एक जज्बा है, और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौजवान हमारे साथ होंगे। रमजान आया है।